आज मैं आपको प्लांट सेल मतलब जो पेड़ों के अंदर जो सेल्स होती हैं उसके बारे में बताऊंगा। एनिमल सेल्स मतलब जो जानवरों के अंदर होती है उस सेल्स के बारे में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सेल होता क्या है। ठीक है, अपनी जो लाइफ शुरू होती है इंसान की लाइफ वो किससे शुरू होती है? एक सिंगल सेल से होती है। सेल्स मतलब कोशिकाएं, उससे अपनी लाइफ शुरू होती है। दोस ऑर्गेनिजम्स वो डिपेंड ऑन सिंगल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक ही सेल से बने मतलब एक ही कोशिकाएं से बने। जैसे आपने देखा होगा कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया जैसे दूध के अंदर जो बैक्टीरिया होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, जैसे दूध के अंदर जो बैक्टीरिया होता है ठीक है, और टीबी की बीमारी जो होती है वो बैक्टीरिया से होती है। तो ठीक है, तो वो सिंगल बैक्टीरिया जब दूध के अंदर गिर जाता है तो क्या करता है वो टीबी की बीमारी कर देता है, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, उसमें व्यक्ति क्या होता है खांसता है, और उसके लिए टीका भी बनाया था बीसीजी। बीसीजी जो टीका था वो क्या था आपका टीबी के लिए था। तो हम आपको मालूम है या तो जो ह्यूमन बींग से वो या सिंगल सेल से बनेगा या बहुत सारी सेल से बनेगा। तो एक सेल से बनते हैं उसको क्या बोला जाता है, एक सेल से जो बनते हैं उसको अमोबिया बोला जाता है। और ज्यादा सेल से क्या बनते हैं, ज्यादा सेल से अपन जैसे ह्यूमन बींग्स वगैरह ये अपन ज्यादा सेल से बने हुए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्लांट सेल। ठीक है, ये आप देख रहे हैं प्लांट सेल। प्लांट सेल में देखा होगा ये सेपरेट करती है इंटीरियर और आपका नेचुरली एनवायरनमेंट को क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन क्या करती है सेपरेट करती है। ठीक है, ये सेल बनी हुई है, आपको ये सेल वॉल दिख रहा है आपको, ये सेल वॉल, वॉल मतलब ये पूरा एक दीवार जैसा होता है। सेल वॉल मतलब ये पूरा आपका एक दीवार जैसे होता है। तो सेल वॉल क्या करता है, ये सेपरेट करता है इंटीरियर को और आउटसाइड एनवायरनमेंट को। तो मतलब ये क्या करेगा, इंटरनल मतलब इंटरनल भी सेपरेट करेगा और बाहर के एनवायरनमेंट को भी ये क्या करेगा सेपरेट करेगा। ठीक है, आउटसाइड जैसे। और ये न्यूक्लियस, ये आप देख रहे हो न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, ये न्यूक्लियस एनवलप, ये यहाँ होता है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस का काम क्या होता है, कंट्रोल सिंथेसाइज। न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस से क्या होती है सेल्स की ग्रोथ होती है। सेल्स की ग्रोथ कहाँ होगी, इस न्यूक्लियस से हुई है। और ये क्या करेगा, सेल को कंट्रोल भी करता है। जैसे कैंसर की बीमारी क्या होती है, अनकंट्रोल्ड होती है। अनकंट्रोल्ड मतलब एक सेल से दो सेल बनती है, सेल से क्या बन जाता है टिश्यू बन जाता है, टिश्यू से ऑर्गन बन जाता है। तो वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है, मतलब सेल्स का अनकंट्रोल्ड हो जाता है बॉडी के अंदर। तो हिस्सा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, कहीं भी क्या हो जाता है वो हिस्सा ऑर्गन के रूप में बड़ा हो जाता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कैंसर। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस आपका केंद्रक होगा। ठीक है, इसके बाद में सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल, सेल वॉल क्या होती है, सेल की वॉल जो होती है ये दिख रही है, ये आपको पतली सी वॉल दिख रही है, इसको क्या बोलेंगे सेल वॉल। ठीक है, सेल की वॉल को पतली सी जो वॉल होती है इसको क्या बोला जाएगा, सेल वॉल। ये दिख रही है आपको पतली सी जो वॉल दिख रही है, ये नया एरो बना हुआ है। सेल वॉल मतलब सेल वॉल क्या करती है, प्लांट सेल को क्या करती है, वो प्लांट सेल को कंट्रोल करके रखेगी। ठीक है, किससे कंट्रोल करेगी, बाहर के एनवायरमेंट से। जैसे बाहर अगर कुछ कुछ बैक्टीरिया वगैरह कुछ अगर फंगस अगर आ रहे हैं तो वो क्या करेगा, सेल वॉल क्या करेगी, उसको प्रोटेक्ट करके रखेगी। ठीक है, अब इसमें भी तीन पार्ट होते हैं। मिडिल ये जो सेल वॉल है, ये देखो सेल वॉल में ये तीन पार्ट दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं तीन पार्ट। इसमें एक मिडिल वाली लाइन है, मिडिल वाली लाइन को क्या बोलेंगे अपन, मिडिल लैमेला। पहले वाली लाइन को क्या बोलेंगे, प्राइमरी लैमेला, और लास्ट वाली लाइन को क्या बोलेंगे, टर्शरी लैमेला। तीन प्रकार की इसके अंदर लाइन होती है। ठीक है, फिर आपको ये दिख रहा है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं, लिविंग यूरोक्वाइटिक सेल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, लिविंग यूरोक्वाइटिक सेल्स। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म क्या करता है, सॉल्युबल पार्ट, कोई भी जो घुला मिला पार्ट होता है जैसे जो लिक्विड के फॉर्म में होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। जो भी सॉल्युबल पार्ट होगा उसके अंदर, पार्ट के अंदर मौजूद होगा। ठीक है, फिर उसके बाद होता है सेल ऑर्गेनिल्स। ठीक है, सेल ऑर्गेनिल्स क्या करती है आपका, सेल ऑर्गेनिल्स में सबसे पहले दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल, मतलब सेल की सबसे बड़ी जो पावर होती है ये क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, पतला सा होता है, स्मूथ होता है, और सेल का जो सबसे पावरफुल हिस्सा होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल, सेल का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है उसको, इंपॉर्टेंट हिस्सा, पावर हाउस ऑफ सेल मतलब जिससे सेल चलती है उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये फोल्ड स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाएगा, क्रिस्टाई, क्या कहा जाता है, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको क्या बोला जाता है, क्रिस्टाई, क्या कहा जाता है, क्रिस्टाई। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होते हैं, आरएनए मौजूद होंगे। ठीक है, डीएनए भी मौजूद होते हैं, आरएनए भी मौजूद होते हैं। ठीक है,
ठीक है। और ये क्या करता है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर डीएनए मतलब डायऑक्सिक न्यूक्लिक एसिड, आरएनए मतलब राइजोबिक न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर प्रेजेंट होगा, और ये बाहर के जो इन्वायरमेंट है इससे क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। मतलब सेल बनता है किसे, एक सेल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनेगा, और किससे बनता है, वो एटीपी मॉलिक्यूल से बनता है। फिर अगला है उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, फ्रॉम नेटवर्क डेलीगेट स्ट्रैंड एंड वेस्कुलर इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये क्या करता है, ये राइजोबोम्स इसके अंदर मौजूद रहता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा, ये देखा आपको लिखा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाले ऐसे होते डॉट छोटे छोटे, ये दिख रहे हैं आपको, ये होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें क्या होता है, इसमें साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, इसके अंदर क्या होगा, वेस्कल साइटोप्लाज्म मौजूद होगा, ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइजोबोम्स, इसके अंदर क्या होता है, राइजोबियम्स मौजूद होता है। दो तरीके के राइजोबोम्स होते हैं, एक तो रफ होता है, ये ऐसा रफ रफ दिख रहा है, एक स्मूथ होता है, बहुत चिकना होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, राइजोबियम मौजूद होता है, या तो बहुत रफ होगा या स्मूथ इसके अंदर मौजूद होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, लेकिन स्मूथ वाला मरा हुआ रहता है, इसके अंदर जो स्मूथ वाला राइजोबोम्स होगा वो क्या होगा, मरा होगा, लेकिन जो रफ वाला होगा वो क्या होगा, इसके अंदर मौजूद होगा। अब राइजोबम्स होता क्या है, जैसे इस मैंने बोला स्मूथ राइजोबम्स इसके अंदर अपसेंट होता है, तो स्मूथ राइजोबम्स होता है क्या है, राइजोबियम्स वो होता है जो क्या करता है, इसको प्रोटीन देता है, सेल्स को बड़े होने के लिए क्या करता है, प्रोटीन देता है। तो मतलब जो प्रोटीन बनाता है उसको क्या बोलते हैं, राइजोबम्स, ठीक है। राइजोबम्स इसके अंदर स्मूथ वाला अपसेंट होगा, ठीक है, स्मूथ वाला इसके अंदर अपसेंट होगा, लेकिन रफ वाला इसके अंदर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। इसके बाद में आएगा आपका गोल्गी एपरेटस, ये आपको दिख रहा है गोल्गी एपरेटस। ये गोल्गी एपरेटस क्या होता है, प्रोसेसिंग पैकेजिंग एंड सिक्रेटिंग ऑर्गेनिज्म, ये क्या करता है, इसको पैकेज को बना के रखता है। ये देखो पैकेज मतलब ये ग्रुप के फॉर्म में यहाँ मौजूद है, पैकेज के फॉर्म में क्या है, फ्लेटेड लाइक स्ट्रक्चर, फ्लेटेड मतलब ये चिपका हुआ स्ट्रक्चर है, फ्लेटेड, और इसको सैक स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, ऐसे चिपका हुआ स्ट्रक्चर इसको क्या कहेंगे, सैक स्ट्रक्चर। ये सिक्रेटिंग ऑर्गेनिल सेल्स, ये सेल को क्या करता है, सिक्रेट्स करने का काम करता है। फिर उसके बाद आएगा आपका लाइसोबोम्स, ठीक है। लाइसोबियम्स क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, लाइसोबियम्स क्या होगा, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, और ये क्या करता है, एंजाइम्स को उसके अंदर रखता है, इसके अंदर ही लाइसोबियम्स होता है, वो एंजाइम्स को रख के क्या करता है, बेकार एंजाइम्स को रख के फिर उसको क्या कर देता है, खुद ही उसके अंदर मार देता है, कौन, लाइसोबियम्स। और राइजोबियम्स क्या होता है, राइजोबियम्स मैंने बताया था, राइजोम्स वो होता है जो क्या करता है, प्रोटीन के फॉर्मेशन में मदद करता है, ठीक है। तो अपन ने क्या पढ़ा आज, प्लांट सेल्स पढ़ा।